नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, इस कौम की कभी कोई मुश्किल खरीद लो। कॉलम निगार हैं हसन निसार और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। रस्ते पे उम्र की मेरा पांव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। अपनी सालगिरह और हर नए साल पर मुझे अपना ही ये शेर याद आता है तो सोचता हूँ कि साल क्या, यहाँ तो जाने क्या क्या कुछ हाथों से निकल और फिसल गया। मैं क्या, हर पाकिस्तानी की जिंदगी सनसनी से भरपूर है। फैसला करना मुश्किल होता है कि गया साल ज्यादा सनसनी खेज था, हाल ज्यादा सनसनी खेज है कि आइंदा साल ज्यादा सनसनी खेज होगा। जिंदगी क्या, एक्शन और थ्रिल से भरपूर जेम्स बॉन्ड की फिल्म है। जेम्स बॉन्ड या बॉन्ड, तो फिर एक्शन के दौरान कहीं कहीं हैप्पी आवर्स मनाता, रिलैक्स करता दिखाई देता है, लेकिन यहाँ तो मुसलसल मारधाड़ का समा है। पिछला बजट भी सनसनीखेज था, जिमनी बजट भी बाप पर गया, बल्कि बाप से भी चार हाथ आगे है। और आगे आगे देखिए होता है क्या, अगला साल गुज़श्ता से भी ज्यादा सनसनीखेज होगा। सियासत यूं ही महवे परवाज रहेगी। पहले कौमी असम्बली में मर्द हजरात मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा करते थे, अब चश्मे बद्दूर खवातीन भी थपड़ो थपड़ी हो गई हैं, तो सर फखर से बुलंद तर है। शगुफ्ता ने गजाला को, या यूं कहिए कि जमाली ने सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। गजाला कहती हैं हाथ भी मरोड़ा, लगता है उंगली फ्रैक्चर हो गई। बीबी शगुफ्ता फरमाती हैं शुरुआत गजाला ने की, थप्पड़ मारती तो वो उठ नहीं सकती थी। चलो खैर है, किसी अगली किस्त में कर्जा उतरता देख लेंगे। कभी पंजाबी फिल्मों का उरूज था, कोई कहती मेरी बिनी ना मरोड़, और किसी को ये शिकायत होती कि माही ने मेरी चीची का छल्ला उतार लिया है। अब ये सब कुछ सिनेमा हाउसेस से फ्लोर ऑफ द हाउस की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो अवामुन नास को इतनी मयारी एंटरटेनमेंट पर इस जमहूरियत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ नोटंकी लीग ने भी पैंतरा बदलते हुए पार्टी कायद नवाज शरीफ से अर्ज किया है, जान को खतरा है, वापस न आए। मुनीर नियाजी ने कहा था कि इस मुल्क पर आसेब का साया है, कि हरकत तेज तर है और सफर बहुत आहिस्ता। मुनीर आज जिंदा होते तो शर्मिंदा होते कि सफर आहिस्ता आहिस्ता नहीं, रिवर्स का है। मुहावरा है एक कदम आगे दो कदम पीछे, वक्त इसमें ये तरमीम कर चुका कि अब सूरत हाल एक कदम आगे दस कदम पीछे वाली है। वरना चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला को ये ना कहना पड़ता कि रियासत लैंड माफिया बन चुकी, तमाम इदारे जराइम में मुलविस। सेक्रेटरी दाखला बताएं कि हाजिर सर्विस अफसरान कैसे बिजनेस करते हैं, स्टेट लोगों को तहफ्फुज़ देने की बजाय जराइम में मुलविस है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि अगला साल भी एक्शन रीप्ले से कम ना होगा, क्योंकि शायर कहता है कि लम्हे खताएं करें तो सदियों को सजाएं भुगतनी पड़ती हैं, और हमने तो कैसे कैसों को तीन तीन बार वजीर आजम बना दिया। शायर और शायरी से याद आया कि पिछले दिनों असलम गुरदासपुरी का छठा मजमूए कलाम हाथ लगा, और ये वही असलम गुरदासपुरी है जिसने लिखा था, जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं जिसके लिए अहदे कम जर्फ की हर बात गवारा कर लें। इस ताज़ा शेरी मजमूए का उनवान है मलाले बेहुनरी। बनाने वालों ने क्या खूब मुआशरा बनाया कि हुनरमंदों को तो बेहुनरी का मलाल है, और बेहुनर अपनी हुनरमंदियों के जश्न मना रहे हैं और उनकी अटकेलियां देखी नहीं जाती। लेकिन मिनी बजट समेत सब पर चार हर्फ भेजें और असलम गुरदासपुरी के चंद शेरों पर गौर फरमाएं। मैं उस दर से गुजर कर आ गया हूँ जहाँ सारा जहाँ ठहरा हुआ है, और गौर करें ये शेर किन के बारे में है। तुम हश्र के दिन भी यही तकरार करोगे, ये शख्स फलां है, ये फलां है, ये फलां है, और ये नोहा देखिए, न गैर से नामा आता है न कोई बशारत होती है, इन खुदकुश हमलों के पीछे जन्नत की तिजारत होती है। और अगर आप चाहें तो इस शेर के ज़रिए पाकिस्तानी इक्तसादियात के असल अलमिया को बआसानी समझ सकते हैं। मईशत लूटने को राहजनों के गौल आते हैं, हमारी ज़िंदगी की फसल टिड्डी दल ही खाते हैं, और फिर इसका तो जवाब ही नहीं। क्या ख्याल इज्जत का, पास क्या अनाओं का, क्या वक़ार होता है मुस्तकिल गदाओं का। कौम की मईशत हो, साख हो, सफीना हो, काम ही डबोना है मेरे ना खुदाओं का। गिरानी महंगाई का मातम तो हर कोई ही करता है, लेकिन इस गिरानी का जिक्र कम कम ही सुनने में आता है, जो हमारे इज्तमाई चेहरे का क्लोजअप है। शेर क्या है, शजरे नसब है, मुस्तकिल जहालत ही हम पे राज करती है,
हम में इल्म व हिकमत की किस कदर गिरानी है। और ये दो शेर कायदीन खसूसन कायद आज़म सानी के नाम मेरी तरफ से। आसानियाँ तो आपने सारी खरीद लीं, इस कौम की कभी कोई मुश्किल खरीद लो। माना कि आप में है बहुत क़ुव्वत खरीद, अपनी मुसीबतों का कोई हल खरीद लो। लौट आओ मेरे परदेसी, बहार आई है और अपने साथ मिनी बजट भी लाई है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।